ट्वेल्व पढ़िए। टू ए पी हैव सेम कॉमन डिफरेंस, ठीक है, दो ए पी का सेम कॉमन डिफरेंस हो सकता है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, और उनके 100 टर्म के बीच का डिफरेंस 100 है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, दो ए पी का कॉमन डिफरेंस सेम, उनके 100 टर्म के बीच का डिफरेंस 100, तो 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस क्या होगा? ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? डिफरेंट ए पी है, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो दोनों का कॉमन डिफरेंस अब स्मॉल डी मान लीजिए, और 100 टर्म जो है उसको निकालने के लिए ए प्लस एन माइनस वन डी, ए एन का फार्मूला। तो आपको फर्स्ट टर्म मालूम होना चाहिए, दोनों का फर्स्ट टर्म नहीं पता है, एक का पहले वाले का, पहले वाले ए पी का ए वन ले लीजिए, दूसरे वाले ए पी का आप ए टू ले लीजिए, और ए एन के फार्मूला में लिख लीजिएगा। डी नहीं चेंज होगा और एन भी नहीं चेंज हो रहा है, क्योंकि 100 टर्म है, ये 1000, दोनों का एन भी सेम है और डी भी सेम है। यही प्रोसेस अभी फॉलो करने वाले हम, ठीक है। तो उसको क्या एज्यूम करना है हमें, फर्स्ट टर्म को, ठीक है, क्या एज्यूम कर ले फर्स्ट टर्म को। या ऐसे भी एज्यूम कर सकते हैं आप, ठीक है, फर्स्ट ए पी इसे क्या एज्यूम कर लें, ए वन ए टू ए थ्री एंड ए सो, ठीक है, एंड सो ऑन। और दूसरा जो ए पी है, सेकेंड ए पी, उसका लिस्ट ऑफ नंबर एज्यूम कर लीजिए, बी वन बी टू बी थ्री एंड सो ऑन, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या है, स्मॉल डी, तो कॉमन डिफरेंस इज स्मॉल डी, यहाँ स्टोर लिखें कॉमन डिफरेंस इज स्मॉल डी। फर्स्ट एपी के लिए, ठीक है, इसका जो एनथ टर्म है वो ए एन, ठीक है, ए एन ए वन प्लस एन माइनस वन डी। सेकेंड ए पी के लिए फोर, फर्स्ट ए पी फोर, सेकेंड ए पी, इसका जो एनथ टर्म होगा वो बी एन से रिप्रेजेंट करेंगे, बी वन प्लस एन माइनस वन डी, समझ में दोनों का टर्म ये आ गया, ठीक है। अब आते हैं दोनों का 100 टर्म फाइन कर लेते हैं, ठीक है, क्या फाइन किए हैं, 100 टर्म। तो 100 टर्म का डिफरेंस जो कह रहे हैं ये कितना, क्वेश्चन में 100 है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए 100, बड़ा कौन सा छोटा कौन सा ये नहीं बताया उन्होंने, ठीक। तो ए 100 को एज्यूम कर लीजिए बड़ा है, ठीक है, ए 100 माइनस बी 100, डिफरेंस कितना है 100 का, इन दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए। ए 100 कितना आ जाएगा, ए वन प्लस यहाँ पुट करेंगे 100 माइनस वन 90, और दूसरा जो पुट करेंगे वो बी एन प्लस 90 100, 90 माइनस हो गया ए वन माइनस बी वन, ठीक है, ये हो गया 100, ठीक, ए वन बी वन हो गया 100, इक्वेशन वन, ठीक है। और यहाँ देखिए एज्यूम किया है मैंने, लेट किया है, ए 100 इज ग्रेटर देन बी 100, ठीक है, सेपरेट करने से पहले मालूम होना चाहिए ना बड़ा कौन सा है, ठीक, ये एज्यूम कर लिया है। अब आते हैं नेक्स्ट, क्या पूछा है, डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, ठीक, तो यहाँ स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, दैट इज ए 1000 माइनस बी 1000, पहले ए पी का दूसरे ए पी का, तो हो जाएगा ए वन प्लस 1000 माइनस वन डी, ठीक है, माइनस
वी वन प्लस 1001 माइनस टेन। ठीक, ये दोनों टर्म माइनस हो जाएंगे क्योंकि दोनों कितना आएगा 999 डी प्लस सॉरी माइनस 999 डी, ये दोनों माइनस हो गए। तो ये हो गया ए वन माइनस बी वन। ठीक है, ए वन माइनस बी वन, और ए वन बी वन कितना दिया हुआ है फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन इज 100। तो डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म इज 100। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका। स्टेटमेंट आप लिख लीजिएगा, डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म इज द सेम एज द डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म। तो यदि कॉमन डिफरेंस दो एपी का सेम है, ठीक है, तो जो सेम टर्म का डिफरेंस होगा वो बदलेगा नहीं। ये एक यहाँ से एक पॉइंट हमें निकल रहा है स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म इज 100, दैट इज सेम एज द डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म। ठीक, तो 13 टर्म देखिए, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। कितने थ्री डिजिट के नंबर जो है वो 7 से डिविजिबल हो जाएंगे ये बताना है। इसे क्वेश्चन एग्जांपल में था। तो थ्री डिजिट का नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 100 से।